चलते हैं। पर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी इसलिए मैं फेस कवर करते हैं और पहुँच के इस बस में हम जाएंगे लोहागढ़ चंपावत, पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। देखो इसको अभी घंटी बजाने का। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ चंपावत, वहाँ से फिर मैंने भी मेरी दोस्त है, हेलो बोल दे, ये शर्मा रही है यार, तो आज इसने मेरी स्कूटी होकर के चला रहा है स्कूटी। टीटी गाइस खाते खाते हम लोग आ गए हैं आई लव उत्तराखंड। दोस्तों आज मैं दिल्ली से अब जाने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन यहाँ पर रुकी नहीं और ये मेरा बैग वगैरह सामान वगैरह हो गया, और क्योंकि मेरे पेपर होने वाले हैं कॉलेज के और बड़ा भाई आया है यहाँ भी मेरे को छोड़ने जाएगा बस स्टेशन यहाँ पर। वहाँ बड़ा भाई वो वीडियो में बहुत कम आता है बड़ा वाला भाई, और यहाँ पर दक्ष लोग भी आए हैं, दक्ष अभी का लेकिन दूर से देख सकते हो, नज़दीक में बड़े भाई आएंगे नहीं। चलो फिर दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं मुनेरिका की इन गलियों से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है निर्मला नेगी, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी दादा लोग चले गए हैं एटीएम के अंदर पैसे निकालने, कैसे लग गए हैं तीनों तीन बंदर आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हो एटीएम के अंदर तीनों तीनों घुस गए, दक्ष अभिता और दादा पैसा निकाल रहे हैं पैसा। और तो यहाँ से हम लोग चले गए हैं मोमो खाने के लिए, जो है मुनेरिका के मशहूर मोमो। अभी का बड़ी खुश है अपने भाई दादा के साथ जाने में। तो यहाँ पर अभी हम लोग मोमो नहीं खा रहे क्योंकि मुझे मोमो पसंद नहीं है, पानी पूरी पसंद है, और दादा अभी दक्ष लोग अभी पैक करवा के दे रहे हैं। दक्ष वीडियो में आना नहीं चाहता, देखो कैसे मुड़ रहा है पीछे पीछे को, दक्ष चले गया वो वीडियो में आना। बाय गाइस, अगले महीने मिलते हैं, बाय भैया। तो अभी हम लोग चले गए हैं और तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी। दोस्तों भाई मेरे को छोड़ने जा रहा है बस स्टेशन, तो अभी हम पहुंच गए हैं मुनेरिका मेट्रो स्टेशन, यहां से जाएंगे हम आनंद विहार की ओर मेट्रो से। तो मेट्रो का सफ़र अच्छा रहता है क्योंकि मेट्रो के अंदर एसी वगैरह होती है तो गर्मी नहीं होती है, और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा होती है क्या ही बताऊँ। ये देख सकते हो राजीव चौक, यहाँ पर पहुँच गए हम, यहाँ से अब आनंद विहार के लिए यहीं से लेंगे जो सीधे डायरेक्ट आएगी, और उधर वाली मेट्रो आ रही है ये द्वारिका वाली है। और मैं ऐसे ही खड़ी हूँ लेकिन पसीने आ रहे हैं देखो क्योंकि गर्मी है यहाँ पर, और अब हम वेट कर रहे हैं मेट्रो आने का, और हमें मेट्रो भी मिल गई है। अब इससे हम लोग सीधे जाएंगे आनंद विहार, तो सब लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं। पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी इसलिए मैं फेस कवर करते हैं, और पहुँच चुके हैं हम बस स्टेशन पर, आगे चल रहा है घाट में। कभी मैं बैठ गई हूँ बस पे, सबसे आगे फ्रंट से वाली सीट पे बैठी हूँ मैं अभी, और दादा पानी वगैरह लेने के लिए गए हैं, यहाँ पर झूल है बहुत ज़्यादा गर्मी। दोस्तों अभी मैं अपने लिए पानी की बोतल और नमकीन वगैरह लेके आई हूँ। तो इस बस में हम जाएंगे लोहागढ़ चंपावत, पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। दोस्तों अभी 5 बज चुका है और हमारे यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है, और बस निकल भी चुकी है यहाँ से। तो आज मैं जल्दी वाली बस पे चली गई हूँ यहाँ से, और मेरे साथ में एक आमा बैठी है, इधर साइड एक दीदी भी है। तो इसके बाद हम पहुँच गए गजरौला। यहाँ पर मुझे भूख तो नहीं लगी थी लेकिन मैंने नींबू पानी पिया, और उसके बाद मैंने खा ली नमकीन, बस तो ज़्यादा रुकी नहीं। और यहाँ पर है गोमतेश्वर, यहाँ पर ये नदी है, तो फिर हम चले गए। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ चंपावत, वहाँ से फिर मैंने वीडियो वगैरह बनाना बंद कर दिया था, और यहाँ पर मिलिए महानात्मा। ये देखो कट्टा अट्टा पकड़ के हो रखा है, ये मेरा सारा सामान है, इस बार सामान थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, इसमें सब्जी वगैरह है और कपड़े और बैग,
इससे मैंने थैला मंगा रखा था और सामान ऐसे सामान चले गया है मेरा आधा सामान तो इसको भेज दिया मैंने और एक बैग मेरे पास है और मैं जा रही हूँ अभी अपने दोस्त के घर। 10 बजे तक मुझे अभी यहीं रहना है तो अपना ये त्वचा ढांचा हाथा भी सुधारना पड़ेगा थोड़ा, तो नहाना धोना सब। तो एक दोस्त है उसके वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि 10 बजे एक मुझे ऑफिस में जाना था तो अर्जेंटली, तो ऑफिस में मैं अभी तो 6:30 हो रखे हैं सुबह से और तब तक तो अभी मैंने ले लिया है। कहीं भी जाते हैं तो हम पहले अपने पेट में ठूसने के लिए सामान ले लेते हैं, तो लेज वगैरह नमकीन वगैरह ले लिया। चंपावत में क्या ही ठंडा हो रहा है, जब स्कूटी चला रही हूँ तो बड़ा ही सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ। दोस्तों आज मेरी स्कूटी हो गई है चोरी, तो ये लड़का जो है हमारी स्कूटी चोरी कर रहा है। स्कूटी चला रहे हो? हाँ। किसकी है? मम्मी की। ये देखो इसने अपनी मम्मी की स्कूटी बना ली है। अब मम्मी तो शर्मा रही है, मम्मी का लड़का देखो आज इसने मेरी स्कूटी होकर के चला रहा है स्कूटी। टिटी हेलो, तो मेरा प्यारा बाबू है आज ये स्कूटी चला रहा है, हमें घुमाने वाला है। इस बच्चे को आ गई है पीछे बुलेट पसंद, बुलेट आ गई है। अब इसको जैसे ही वो कर रहे हैं वैसे ये भी करने वाला है। देखो 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 देखो, पी 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 पी। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिस में, मैं जाके आ गई हूँ लेकिन अभी यहाँ ऐसा ही है। दोस्तों अचानक हमारा प्लान बन गया कि हम यहाँ से बालेश्वर मंदिर जा रहे हैं और यहाँ के कुछ आपको वीडियो वगैरह दिखाते हैं प्राचीन नौला बालेश्वर मंदिर का नौला। और यहाँ पर इस तरह से कुछ धारियाँ है। वाव, इसके अंदर इतना मस्त वाला पानी हो रखा है। दोस्तों इस प्रकार से नौला आपने पहली बार देखा होगा, जो इस तरह से पूरा पत्थर से मतलब डिजाइन किया गया है जिसमें आकृति और बहुत कुछ और ऊपर इस तरह से गोलाई। जाने से पहले हमें ये किले मिल गए जो आपको मैं हर मंदिर में दिखाती हूँ, ये वाले किले। तो किले से होते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर। तो पहुँच चुके हैं हम बालेश्वर मंदिर के यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार की आकृतियाँ देख सकते हो पूरे पत्थर में। ये बालेश्वर मंदिर के बैक साइड अभी फ्रंट साइड जाएंगे और जाने से पहले हम वही है हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचेंगे क्योंकि हम लोग मंदिर में तो आते रहते हैं लेकिन हर बार की यादगारी के लिए फ़ोटो खींचेंगे। जय जय नमस्ते। अब यहाँ बोल नमस्ते। ऐसे पकड़। देखो इसको अभी घंटी बजाने का सुर पड़ रहा है और क्या और और चलो अब जय करते हैं वहाँ पर। चलो हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। ये मेरी दोस्त है, हेलो बोल दे। ये शर्म आ रही है यार, देखो शर्म के मारे सर नीचे हो गया। तो मैं आपको भी भोलेनाथ के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ देखना मंदिर क्या, जय जय भोलेनाथ, पूरे फूल और जो है धतूरे के फूल और वैसे वाले फूल से पूरा सजा रखा है यहाँ पर। और यही नहीं यहाँ पर जो है हम अस्क ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं। तो ये है मंदिर। और यहाँ पर भी है। दोस्तों अभी जल्दी जल्दी हम आ गए हैं मंदिर से, थोड़ा घुमा फेरी करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा ऐसे ही गए। और मेरे भाई का संदीप सिंह नेगी का कॉल पे कॉल आ रहा है, फिर उसको तो गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं दौड़ रही हूँ उसको, मुझे मार्केट ले जाना है, लेके आना है। अभी ये लोग थोड़ा पीछे पीछे धीरे धीरे आएंगे, माँ बेटे, और मैं जाऊँगी आगे आगे। तो इसको
इसको लेने के लिए मैंने दौड़ लगाई, भागी उस लड़की को जो अपनी दोस्त को छोड़ गई इसके लिए मैंने। बंदर हुआ होगा ना, कैफ वगैरह ले रहा है पता नहीं, और क्या क्या ले रहा है। दुकान के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उदास क्यों है, उदास क्यों है, उदास। इसमें एक नहीं है, इसमें भी है, बाल बेकार लग रहे हैं, बाल एक बार अंदर को डालो ना। ये हमें घड़ी नहीं दिखाई, शॉपिंग के साथ है यहाँ पर, चश्मा भी खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं मोमो खाने के लिए, वही पेट पूजा, पेट पूजा। और हमारा ये ना बाबू बड़ा ही चिंका भी गाड़ियों में नजर गई है इसकी, अभी अभी हम तीनों लोग, ऐसा थोड़ा होता है। ये देखो गाइस, गाइस गाइस इधर को देखो गाइस, ये पेट पूजा हो रही है, पेट पूजा हमारे आज मनी नहीं भर रहे यहाँ पर आ गए हैं। और क्या यहाँ पर आए हैं स्कूल की लड़की, कभी वैसे दिन हमारे भी हुआ करते थे स्कूल के। आइसक्रीम खाते खाते हम लोग आ गए हैं आइंदा उत्तराखंड में यहाँ पर फोटो खींचने के लिए, फोटोग्राफर खींच सकते हो कैमरा पकड़ के, और ये अपनी दुनिया में लगी हुई है। ये देखो इतना खाता है कभी इसका पेट नहीं भरता है। नजर मत लगा, सही माँ तो हमने बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती इसने ऑर्डर कर दिया छोटे भाई ने, मन तो नहीं था, हम नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खाएगा खाना। हो गए हैं, ये फिर से आ गया है शॉपिंग के लिए, यहाँ पर लेने लग गया ये अपने लिए घड़ी। तो यहाँ पर घड़ी के बॉक्स खुल रहे हैं, इतनी घड़ी ले लिए, इतनी घड़ी ले लिए, इसका अभी भी मन नहीं भर रहा है। कितने से स्टार्ट है? अलग अलग मॉडल है भाई, 300 400 500 अभी इनसे पूछो दीदी से, जी बताओ। कार एक घड़ी सिलेक्ट करती है इस टाइप की, अभी ये तो वाइट वाला अच्छा नहीं लग रहा, वो तो ये अच्छी लग रही है, इसमें ब्लैक होता ना और अच्छा लगता है, इसमें होगा ब्लैक। आखिरकार यहाँ पर एक घड़ी ले ली भैया ने अपनी शौक पूरी करने के लिए, मेरे को आ रही है नींद क्योंकि मैं बस में। अब मैं जाती हूँ घर को, आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी स्कूटी में हम लोग बैठे 3 लोग और इतना ज़्यादा सामान है, बाय।